गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ टुवर्ड्स कुम्हारी। ये सर्विस रोड है, ये कुम्हारी की तरफ जाता है, तो अपन चलिए आगे बढ़ते हैं इसी रूट पर। तो आज मेरे व्लॉग में मैं कुम्हारी का जो स्टेशन है, रेलवे कॉलोनी है, उसको शूट करने जा रहा हूँ। तो ब्लॉग में आप बने रहिए, घर बैठे बिल्कुल कुम्हारी स्टेशन पर उसके आसपास का नज़ारा देखिए। और ये देखिए यहाँ पर जो है, अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं तो ये राइस मिल है यहाँ पर, नेताजी ढाबा बोलते हैं, नेताजी ढाबा, राजू ढाबा, नेताजी ढाबा जो भी है, राजू का ढाबा है। अब ये सब रोड के बगल में भी धीरे धीरे किसी का सुंदर सा घर बना हुआ है, किसी का हरी भवन, ढाबा वगैरह भी खुल गया है दो तीन। देखिए जो ये जो हरा भरा वातावरण है यहाँ से चालू होता है, और इसको देखिए झाड़ इतने बढ़ गए कि एक बिल्कुल एक गुफा जैसा वातावरण बन गया इसका, बहुत सुंदर है। और अभी मौसम सुहाना है तो बहुत और अच्छा भी दिख रहा है। ये करीब 4 किलोमीटर का पैच है, बहुत सुंदर है, नेचर लवर जरूर इसका मज़ा लेंगे बिल्कुल एकदम। देखिए इस रोड को तो एंजॉय करिए बिल्कुल इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुम्हारी की तरफ सर्विस रोड पकड़ के। तो कभी अगर कोई रायपुर वगैरह की तरफ से आता है तो इस रोड को भी जरूर एक बार करिए। ये बिल्कुल चरोदा से लगा हुआ है, मतलब इस तरफ देखिए हम चरोदा से आ रहे हैं, और ये SB सेंट्रम नाम का ये प्रॉपर्टी है नया, और ये अभी डेवलप हो रहा है बढ़िया मस्त। अभी ये फार्म हाउस है बिल्कुल, और ये इसका एंट्री पॉइंट है, बढ़िया है, फूल भी लगे। बापरे तो मंदार थे इतना बड़ा है वहाँ पर, 5 पत्ती वाला गुलाबी मंदार देखिए। ये एंट्री पॉइंट है विश्वकर्मा फार्म हाउस। सब्जी वब्जी भी उगता है बढ़िया, ताज़ी सब्जी, पपीता झाड़ तो यहाँ से दिख ही रहा है बिल्कुल। और ये उरला गांव दूध फैक्ट्री तब जाने का रास्ता, यार रास्ता बहुत ख़राब भी है देखिए, गड्ढा गड्ढा एकदम है। ये दूध फैक्ट्री तब देवभोग, दूध फैक्ट्री तब जाने का रास्ता है ये वाला, देव बोला था भी जा सकते हैं आप यहाँ से। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पम्प है वाला, चरोदा से लगा हुआ। अब ये बहुत सुंदर यहाँ पर गुरुद्वारा है, बहुत सुंदर, मैं इसके अंदर गया भी हूँ और बहुत सुंदर भी है। तो अगर चरोदा वाले कोई आसपास वाले हैं तो इस गुरुद्वारा के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर गुरमत समागम लंगर वगैरह भी लगता है यहाँ पर, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, साईं मंदिर है बहुत सुंदर है, गुरुवार वगैरह की भी आरती होती है, डेली आती होती है, गुरुवार को बहुत सुंदर आरती होता है। तो साई मंदिर तो परिचय का मोहताज भी नहीं है, सभी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं यहाँ पर। ओम शाय राम। तो जैसा मैं बोल रहा था, बहुत सुंदर हरा भरा वातावरण है बिल्कुल सर्विस रोड। तो रायपुर से अगर कोई कभी कोई आता है तो आप कुम्हारी कुब्दा रोड के बाद में सर्विस रोड में आ जाइए साईं मंदिर तक का, उसके बाद फिर वापस मेन रोड पकड़ लीजिए, मज़ा आएगा वातावरण देख के, अच्छा भी लगता है, बरसात के सीजन में तो और सुंदर लगता है। आप आता पहले यहाँ पर देखिए, उसके बाद फ्लाई फोर्ट होटल के नाम से बना ये वाला, इतना बड़ा सुंदर, अभी इंद्रप्रस्थ होटल के नाम से ये अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी इनकी है। यहाँ गार्डन वगैरह भी है, रात वात के टाइम जैसे पार्टी उठी रहता है तो गार्डन में भी होता है। और अभी रिमॉडलिंग भी इन्होंने किया है, लॉजिंग पहले सिर्फ ढाबा था, अभी खाना पे रेस्टोरेंट कम लॉजिंग दोनों आ जाएगा। इस प्रकार का नज़ारा है देखिए यहाँ पर, खाना थोड़ा कॉस्टली है। खारून बिहार है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाया गया था घर वगैरह सब, बढ़ गया एंट्री पॉइंट है। एक बार इधर से मैं एंट्री लेके एग्जिट हो जाता हूँ उधर से, हारून बिहार। इस प्रकार के नज़ारे हैं, ये बिल्डिंग विल्डिंग भी है और घर और भी है यहाँ पर, सब सिंगल सिंगल घर भी है, बिल्डिंग भी है। चौदह वाले लोग, कुम्हारी वाले लोग, ऐसा छोटे छोटे घर भी हैं, इंडिविजुअल घर भी और ये बिल्डिंग भी है, इंडिविजुअल रो हाउसेस हैं बड़े बड़े, बिल्कुल अच्छा है वाला। तो इस प्रकार का ये खारून बिहार का ये एग्जिट पॉइंट है, और भी अंदर कॉलोनी है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं दिखाया। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, रायपुर 19 किलोमीटर, सिरसा 8 किलोमीटर, दुर्ग 25 किलोमीटर, कुब्दा गाँव जाता है। होटल होटल है, रिफ्रेशमेंट हो रहा है यहाँ पर। कुम्हारी जैसा मैं बता रहा था कि कुम्हारी बहुत फेमस था
कुम्हारी में ये देखिए, मैं अभी रोक रहा हूँ साइड आपका। ये एक जमाने डीएमसी, देखिए यार ये हालत है डीएमसी का, एकदम बंद है बिल्कुल। और नहीं तो थोड़ा सा एंट्री भी मार के देख लेते हैं, ये लगा हुआ तो है दिख रहा है। ये धर्मसिंह मोहार्जी केमिकल, ये उनकी प्रॉपर्टी है भाई, देख लीजिए आज ये हालत है डीएमसी का एकदम। सभी घर रेजिडेंस वगैरह हुआ करते थे, सब टूट टाट के पूरा हालत ख़राब हुआ। डीएमसी का गेट है, जमाने में बिल्कुल ये फुल फ्लड्ज था और कई लोगों को रोजगार देने का एक साधन भी था ये वाला, लेकिन ये बंद हो गया। देख लीजिए प्रॉपर्टी काफ़ी लंबी है इनकी, देख लीजिए तुम्हारी स्टेशन जाने का रास्ता बोर्ड भी लिखा हुआ है। ये जो रास्ता है एक्चुअली ये कुम्हारी रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। अभी हम लोग कुम्हारी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसी गंदगी है भाई जैसा पहले था, ये कभी सुधरा नहीं देखे एरिया। अच्छा यहाँ पर कुछ टाइल्स वाइल्स लगा दिए गए, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है एरिया पूरा। अभी आपको मैं कुम्हारी रेलवे कॉलोनी दिखा देता हूँ भाई, छोटी सी रेलवे कॉलोनी प्यारी सी है ना, कुछ क्वार्टर से स्टेशन मास्टर को देखे 3-1। देख लीजिए जो यहाँ पर रेलवे कॉलोनी में रहता है या कभी कुम्हारी में रहा होगा, तो अपनी मीठी यादें संजो के अगर रखा होगा तो देख लीजिए ये रेलवे कॉलोनी है कुम्हारी का। क्वार्टर वगैरह का हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, अभी 5 तक क्वार्टर तो बंद है। स्टेशन लिखा हुआ यहाँ पर कुम्हारी करके, और बहुत पुराना स्टेशन है ये वाला, इसको जितना इम्पोर्टेंस मिला था मिला नहीं। चलो हम लोग चलते हैं स्टेशन के ऊपर में। इस प्रकार देखिए ये जो रेलवे कॉलोनी, ये जो पहला लाइन है बस एक ही लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 यूनिट्स है रेलवे क्वार्टर की। ये अपन इस तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए रेलवे ट्रैक है, इस पर ये जो स्टील प्लांट से रेल इसमें लोड होकर आ रही है। इस रेल की लंबाई करीब करीब 250-250 मीटर लंबाई रहती है और इसमें जॉइंट्स नहीं रहते ताकि जो ट्रेन का स्पीड बना रहे। ये अपना रेलवे का बाउंड्री है बिल्कुल, पूरा रेलवे ने अच्छे से तरक्की से प्रोडक्शन कर दिया, वो पूरा प्राइवेट एरिया था तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है और वो सब प्राइवेट कॉलोनी बसते चले जा रहा है। आप लेवल क्रॉसिंग से केवल धाम तक बढ़ेंगे, वो केवला धाम है, केवला धाम से आगे बढ़ेंगे तो परसादा गाँव है उस साइड बिल्कुल, और किसी ने बगीचा बगीचा लगाया हुआ। देखिए मालगाड़ी एक जा रही है एक आ रही है, और ये कुम्हारी स्टेशन का ये बिल्डिंग है, वो जो टीना वाला जो दिख रहा है जो चमक रहा है वो ओल्ड बिल्डिंग है क्योंकि कुम्हारी स्टेशन का बहुत पुराना है, बोल्डर से बना हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है कुम्हारी स्टेशन का। जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये जो ट्रैक देखी जा रहा है तो डीएमसी साइडिंग तरफ जाता था, अब बाकी पूरी बस्ती बस गई है पुरानी। तो इस प्रकार का नज़ारा है कुम्हारी और उसके आसपास का वातावरण। और दूर में देखिए आपको कुम्हारी का जो ओवरब्रिज भी दिख रहा है, मेन रोड का गाड़ी वाड़ी जा रही है वो दूर में देखिए बिल्कुल। इधर भी कुछ RPF या कॉलोनी वॉलोनी है लगता है, जहाँ पता नहीं क्या है, पता नहीं समझ नहीं, बस्ती जैसे एरिया पूरा है, छोटा सा एक मार्केट भी अंदर में यहाँ पर सब्जी उब्जी का। ये सब्जी मार्केट है यहाँ पर अंदर में, टाइम नहीं लगा नहीं सब्जी मार्केट। ये यहाँ पर पहले बहुत बर्तन दुकान था यार, लेकिन बंद हो गया है वाला। ये देख लीजिए ये ब्रिज चालू ऊपर वाला नीचे है और उस तरफ का ब्रिज अभी बंद है, उस कारण बहुत ज़्यादा रश रहता है यहाँ पर। थोड़ा तो निकल लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा आईवारा जाने वाला रोड उस तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, और जब से ये ब्रिज बनना चालू हुआ है ये सब दुकानें तो पूरी बंद हो गई, भविष्य अंधकार में होगा।
देखो मकान बेचना लिखा भी है अब, क्योंकि क्या बिजनेस होगा यहाँ, ब्रिज बन गया तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर बिजनेस वगैरह भी। अब दुकान बन गया, ब्रिज बनने से पूरा उजड़ गया बेचारा। ये जब ब्रिज वगैरह जब बनता है जिसकी हालत तो इतना ज्यादा बिल्डिंग वर्क, बाप रे बाप, किसी का खुद बिल्डिंग करना पड़ेगा कुछ, तो ऐसा हालत हो गया। यहाँ कुछ अच्छा कुछ होलसेल कपड़ा दुकान खोल दिया, अंदर में गली है तो लगता है कुछ। ये देख लो इतना बड़ा गड्ढा रोड के पास में, हर दिन का सिस्टम है, पूरा जाम रहता है बिल्कुल एकदम, हालत बुरी रहता है। ऐसे संघर्ष करके बाइकर लोग बेचारे लोग को पिछले 4 साल से लोग अपना ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, बाइकों को ऐसे निकालना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। रोड की हालत भी बुरा है, इतना बड़ा गड्ढा है देखो, अरे बाप रे बाप, ट्रक घुस जाएगा लगता है इतना बड़ा गड्ढा है। यहाँ छोटे मोटे दुकान भी लग जाते हैं और नेचर लवर तो बिल्कुल गाड़ी यहाँ रोक के नेचर का एंजॉयमेंट लेके ही गन्ना रस वगैरह पी के फिर आगे बढ़ते हैं। यही एक पैच है जो बिल्कुल हरे भरे वातावरण से परिपूर्ण है, अदरवाइज तो बिल्कुल दुर्ग और रायपुर के बीच में इतने ऐसे घने झाड़ आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलते। हरा भरा वातावरण दिखता है ना, उसको चरने के लिए आ जाते हैं और ये पूरे लोग भिड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम जान की परवाह किए बिना। बट करी सर से रिक्वेस्ट है अगर वो देख रहे होंगे तो ये सब बाईपास ट्रक अगर कहीं और से निकाल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। टू व्हीलर लोग का ये हालत है भैया, ऐसा किनारे चलना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये सब उड़ाते हुए चले जाएंगे आप लोग। फोर व्हीलर लोग ये क्या जा रहा है, रॉकेट उकड़ जा रहा है जी भाई। टू व्हीलरों का कोई औकात नहीं, ऐसे बुचक बुचक के जाना पड़ेगा टू व्हीलर लोग को। तो आशा है आप लोग को कुम्हारी का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट भी करिए ये ब्लॉग आपको कैसा लगा।